मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो आवर टुडेस टॉपिक इज द नाउन, राइट। आज हम ग्रामर टॉपिक पढ़ेंगे एंड द टॉपिक इज द नाउन। वैसे तो आप ऑलरेडी ये टॉपिक अपनी लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट। बट नाउ अब हम इसको और इलैबोरेशन के साथ इस कंटेंट को और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, राइट। सो बेसिकली किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि उस टर्म का मतलब क्या है। लाइक अगर हम नाउन पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज अ नाउन, राइट। सो लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ नाउन। सो अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और अ थिंग। आपने देखा यहाँ पे नाउन जो है वो किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, पशु का, पक्षी का या किसी भी चीज का, वस्तु का नाम होता है। अगर मैं और भी ज्यादा हिंदी टर्म में, इजीएस्ट वे में कहूँ तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में नाम को संज्ञा कहा जाता है ना, किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब वो नाम कोई भी हो सकता है, वो किसी पर्सन का भी हो सकता है लाइक नेहा, प्रिया, राहुल। किसी प्लेस का हो सकता है दिल्ली, राइट, आगरा। किसी एनिमल का हो सकता है डॉग, कैट। बर्ड का हो सकता है स्पैरो, पिजन, राइट। और किसी भी थिंग का, पेन, पेंसिल, रेजर, स्कूल, एनीथिंग एल्स। सो हमने अभी पढ़ा किसी भी नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउ द अनदर पार्ट इज व्हाट आर द काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने काइंड्स की होती है? सो बेसिकली जो नाउन होती है वो फाइव काइंड्स की होती है। कितने काइंड्स की? फाइव काइंड्स की। सबसे पहली है कॉमन नाउन, नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन, थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ है कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ है मटेरियल नाउन। सो आई होप अभी आप ये समझ रहे होंगे कि देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। द फर्स्ट वन इज कॉमन। तो अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। सो कॉमन नाउन्स आर द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और बर्ड ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड के किसी भी पार्ट पे जो अलग अलग टाइप्स के नेम होते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग एंड ऑल, उन सबको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया टेनिस एंड दूसरा मैंने ले लिया जैसे कैब ड्राइवर। सो बेसिकली ये क्या है? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। द अनदर वन इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आर द पर्टिकुलर नेम्स गिवन टू कॉमन नाउन। जब हम कॉमन नाउन को एग्जैक्टली पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, एक स्पेशल नाम दे देते हैं, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मिस्टर शर्मा। सो मिस्टर शर्मा इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। एम एस कैपिटल एंड एस एस कैपिटल, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू द क्वालिटीज, ध्यान से सुनिएगा, फीलिंग्स, आइडियाज और स्टेट ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग। यानी कि ये वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो हमें क्वालिटी, फीलिंग्स या आइडियाज के बारे में बताती है। और इजी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं बेटा। ये एक ऐसी नाउन है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना हम इसे देख सकते हैं, ना हम इसे टच कर सकते हैं, ना हम इसे सुन सकते हैं, ना हम इसे स्मेल कर सकते हैं, इसे सिर्फ फील कर सकते हैं, ऑलराइट। या इसे हम बोलें कि ये सिक्स सेंसेस में जो नाउन होती है उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रुथ, ऑनेस्टी, ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आर वर्ड्स यूज्ड इन ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। जब कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। अब इसका वो एक एग्जाम्पल बताइए छोटा सा कलेक्टिव नाउन का। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। बुक्स की लाइब्रेरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। नाउ द लास्ट वन
फिफ्थ है मटेरियल नाउन, नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस आउट ऑफ व्हिच थिंग इज मेड, यानी कि वो मटेरियल वो सब्सटेंस जिसकी हेल्प से कोई भी थिंग बनाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन, मटेरियलिस्टिक नाउन। एग्जाम्पल ले लीजिए, ये तो सबको पता होगा, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, तो ये सब हमारे क्या है, ये सब है हमारा मटेरियल नाउन। ऑल राइट, सो अभी हमने एक डीप कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नाउन डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। सो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सो अभी इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर वन इज मैच द फॉलोइंग, हियर आर फोर एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन विद प्रॉपर नाउन। ऑल राइट, यू हैव टू मैच ईच ऑफ देम। First one is city. So here you can see in the options of proper noun, where is the name of city is mentioned. So city, name of the city is Delhi. So hum isko isse match karenge. A car company is Audi. Name of a cricketer is Virat Kohli. Right. The last one sab bach gaya, river. So river is Ganga. I hope sabko samajh aaya question number one. Question number two is underline the abstract nouns in the following sentences. नीचे दिए हुए abstract noun को आपको ठीक है क्या करना है, underline करना है। आपको पता है ये abstract noun क्या होती है, वो noun जिसे हम ना feel कर सकते हैं, जिसे हम touch नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उन्हें हम सिर्फ feel कर सकते हैं, right? She always speaks honestly. So इसमें abstract noun कौन सा है, honestly. Next, I was delighted at the news of her success. So, इसमें आएगा सक्सेस। डोंट अंडरएस्टिमेट योर ओन स्ट्रेंथ। कौन सी ऐसी चीज है या तो इसे हम जो विजिबल नहीं है, राइट, जो हमारी इंटरनल है, इंटरनल हमारी एनर्जी, दैट इज स्ट्रेंथ। एंड द फोर्थ वन इज वी हैव टू गेट एट द ट्रुथ ऑफ द मैटर। सो यहां पर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है ट्रुथ। सो आई होप सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है, नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, काइंड्स एंड नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन आपको समझ आए हैं, राइट? सो सभी बच्चे प्लीज अगेन एंड अगेन वीडियो देखिएगा एंड देन अपना वर्क कंप्लीट करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।